हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ताकि मैं आज बताने वाला हूँ कि आप एलईडी बल्ब्स के फ्यूचर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी एलईडी बल्ब बार बार ख़राब हो जाती है, तो आप अपने एलईडी बल्ब्स को ज़्यादा दिनों तक कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, तो उसी पे मैंने आधारित इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो मेरा ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज एलईडी बल्ब के कुछ एक ऐसे उपकरण बताने वाला हूँ जिसके सहायता से आप किसी भी एलईडी बल्ब्स को ज़्यादा दिनों तक चलने की बेहतर दे सकते हैं दोस्तों। वो मेरी आज फुली गारंटी के साथ, मेरा फुल एक्सपेरिमेंट के साथ आज मेरा वीडियो है। तो दोस्तों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करते अपनी वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल जिसका नाम प्रिंस स्टोरी ब्लॉग है, पहले आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसके साथ साथ मेरा एक चैनल जिसका नाम सीखो इलेक्ट्रिक गुरु चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास है 9 वाट की एलईडी बल्ब्स। तो मैंने इसके पहले बताया था आपको इस पैनल, ये पैनल लगाने की मैंने तरीके को बताया हुआ था, इस पैनल को कहाँ मिलती है ये भी मैंने बताया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ताकि मैं आज बताने वाला हूँ कि आप एक पीएफ, मैंने एक पीएफ का इस्तेमाल किया है, और इस पीएफ के सहारे आप इस एलईडी पैनल को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि इस एलईडी पैनल को जलने से बचा सकते हैं दोस्तों। ये मेरी फुल एक्सपेरिमेंट के साथ, फुल गारंटी के साथ ये मेरा वीडियो है, तो प्लीज़ दोस्तों इसको आप देखते रहिए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया है, मैंने एक एलईडी पैनल को पहले से इंस्टॉल कर दिया है, उसमें एक मैंने पीएफ डाल दी है। तो दोस्तों, ये पीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीएफ की नंबर क्या होती है, तो दोस्तों ये पीएफ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सबसे पहले इसकी पीएफ की नंबर बता देता हूँ। तो 07K आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, इस पीएफ का नंबर 07K551, इस पीएफ का नंबर 07K551 है, क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत ही मध्यम साइड से लिखा है, इसलिए इस नहीं दिख पाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 07K551। तो दोस्तों, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, ये मिलेगी कहाँ, तो दोस्तों आपको ये लेने के लिए पहले आपको जो कि इस एलईडी पैनल को बदले होंगे, तो उसमें से एक आपको किट निकली होगी। तो किट कैसी होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप एलईडी बल्ब्स के किट को चेंज किए होंगे, तो उसमें से इस क्वालिटी की एलईडी किट निकली होगी आपकी, जो सामने आई होगी बदल करके लगाए होंगे। तो दोस्तों, इसी में आपकी ये पीएफ है। तो आपकी ये पीएफ कहाँ है, तो यहाँ है दोस्तों, देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए, ये पीएफ यहाँ है, उसके बाद में यहाँ है। इसकी कलर थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन पीएफ का काम सेम होता है, नंबर सेम होता है। तो दोस्तों, आपको जो किट बदले होंगे, उसमें से ही इस पीएफ को निकाल लेनी है। ये पीएफ है, और इसके दोनों मेन, यानी कि जो आपकी इस टर्मिनल से जा करके और डायरेक्टली यहाँ पे आपकी किट तक आती है, उसके दोनों टर्मिनल पे आपको ज्वाइंट कर देने होंगे। तो दोस्तों, इस क्वालिटी से अगर आप किसी भी बॉल्स में इस पीएफ को इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी फुल गारंटी है कि आपकी अगर 350 तक वोल्ट आएगी, तो केवल इस पीएफ पर ही प्रभाव पड़ेगी, ये पीएफ फट जाएगी, आपकी ये पूरी प्लेट बच जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इस क्वालिटी से आप किसी भी एलईडी बल्ब पे इस क्वालिटी की पीएफ लगा करके उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एलईडी बल्ब का प्रोटेक्शन का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ मेरे इस चैनल जिसका नाम प्रिंस स्टोरी ब्लॉग है, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ मेरा एक और चैनल जिसका नाम सीखो इलेक्ट्रिक टू चैनल है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक संबंधित वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में कमेंट बताएं, आपकी पूरी फुल रिप्लाई दी जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।